हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। जैसे कि हमने लिखा है टोटल माइक्रो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा ही है कि हम अब एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं तो एक एक टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमने क्या एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम पूरी माइक्रोबायोलॉजी का से हमने स्टार्टिंग की है, टोटल माइक्रो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने अपनी इस वीडियो में हम क्या देंगे कि हम टोटल माइक्रोबायोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए भी पूरा सिलेबस अब कवर करना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन हम ओवरव्यू देंगे किसके अंदर, अपनी तीन वीडियो के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमने तीन वीडियो प्रिपेयर की हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट। ठीक है, टोटल फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या है हमारा, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। ओके, ये क्या है हमारा फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड है हमारी, कौन कौन सी यूनिट कवर करेंगे सेकेंड में हम, थर्ड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। ओके, एंड हम अपनी थर्ड वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, फोर्थ यूनिट। फ्रेंड्स, आपके थोड़ा माइंड में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ यूनिट क्यों ली, थर्ड और फोर्थ यूनिट क्यों नहीं ली। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि फोर्थ यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मैटर फोर्थ यूनिट के अंदर, इसीलिए हम पहले कौन सी कवर करेंगे, थर्ड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, फिर अपनी लास्ट वीडियो में हम आप फोर्थ यूनिट कवर करके आपको देंगे। ठीक है, पहले तो हम ये चार यूनिट कवर करेंगे, ये चार यूनिट ही इम्पॉर्टेंट है, इनके अलावा फोर्थ यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना उसके अंदर टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन निकाला है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर आपने ये तीन वीडियो हमारी अच्छे से कवर कर ली, ओवरव्यू पूरे देख लिए, ओवरव्यू के साथ हम आपको पूरी थ्योरी भी यहाँ पे कवर करेंगे, बस क्या होगा आपको खुद नोट डाउन करनी पड़ेगी, हम डेफिनेशन आपको बोलेंगे। ठीक है, हम ओरली बोलेंगे, आपको खुद से नोट डाउन करनी होगी। ठीक है, आप रोक रोक के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स, हम अपने जो अदर थ्री सब्जेक्ट्स हैं थर्ड सेम के, उनके लिए भी हम ऐसे ही वीडियोस प्रिपेयर करेंगे जिनमें हम टोटल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन होगा पूरे सिलेबस का, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि ये वाला टॉपिक कवर करके दीजिए, ये दीजिए, ये वाला। अब क्या किया हमने, हमने पूरी यूनिटी कवर कर दी है, आपको यहाँ पे पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप एक बार पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, हम डेफिनेशन बोलेंगे, आप वो कवर कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम फर्स्ट सेम का भी, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनके लिए भी हमने यही सॉल्यूशन निकाला है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, पांचों की पांचों यूनिट तीन वीडियो में आपको कवर करके दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करें, आपको पूरी वीडियोज मिल जाएंगी एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस देख के आप एग्जाम देने जाएंगे तो गारंटी है, गारंटेड आपके 75% अबाव ही आएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से लिख देना। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट। ठीक है, आज हम ये दो यूनिट कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट यूनिट से ले रहे हैं हम फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी है क्या। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है फ्रेंड्स, जो
जिसके अंदर मतलब एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स क्या फ्रेंड, जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब इन्फेक्टियस एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सब की स्टडी करते हैं, फुल्ली स्टडी। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितने टाइप के, क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी सेल वॉल कैसी है, इनका इनके मतलब जो रेप्लीकेशन है या फिर बाइनरी फीजन है ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। मतलब माइक्रोब्स की पूरी डिटेल किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। चलिए आप डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, स्टडी ऑफ दोज थिंग्स विच वी कांट सीन फ्रॉम द नेक्ड आई कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एक्सेट्रा, ठीक है। ये नॉर्मल डेफिनेशन है और एक्स्ट्रा जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हम उतना कवर नहीं करेंगे, लेकिन जितना हम अपने माइंड में समझ के करेंगे, वहाँ एग्जाम में क्या लिखते हैं, हम जो डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं, एग्जैक्ट वो कभी कोई नहीं लिख पाता, लेकिन जो हमारे माइंड में है, जो हम समझ के गए हैं, हमेशा हम वही एग्जाम में लिख पाते हैं, ठीक है। तो जो आपने समझा वो भी ध्यान में रखिएगा और ये डेफिनेशन भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या हैं? तो ब्रांचेस हैं हमारी फ्रेंड्स बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की, जिसे हमने क्या नाम दिया, बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। उसके बाद आया माइकोलॉजी, माइकोलॉजी भी एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई, ओके। प्रोटोलॉजी, प्रोटोलॉजी भी एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, ओके। नेक्स्ट है हमारा फिजिकोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी की स्टडी किसके अंदर करते हैं, फिजिकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये भी एक किसकी ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी की एक फर्दर ब्रांच है। पैरासाइटोलॉजी, ये भी एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की। एंड लास्ट है हमारा वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, वायरस की स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट डाउन कीजिए किसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई, प्रोटोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, फिजिकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। ये ब्रांचेज है किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फार्मेसी के अंदर, बीएससी के अंदर, बीए के अंदर, सबके अंदर सब्जेक्ट है क्या, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका अब हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है फार्मेसी के अंदर। फार्मेसी के अंदर हम स्कोप डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। पहले हम जनरली आपको समझा दे रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है। अब माइक्रोबायोलॉजी है मतलब फार्मासिस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो माइक्रोब्स की स्टडी करना, मतलब मेडिसिन बनानी है हमें, कोई मेडिसिन प्रिपेयर करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को देखना पड़ेगा, बैक्टीरिया को या फिर वायरस को, उसकी ग्रो करानी पड़ेगी, ग्रो कराएंगे फिर उसे फर्दर देखेंगे, तभी तो उसका ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग हम प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, मतलब किसी भी बैक्टीरिया पे अगर कोई कोई ट्रीटमेंट हमें करना है, कोई ड्रग हमें प्रिपेयर करनी है तो पहले रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या है, स्कोप क्या है, रिसर्च, रिसर्च करना, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप हो किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर, तो सबसे पहला हमारा क्या ऑप्शन है, रिसर्च का ऑप्शन है, ठीक है, हम रिसर्चमैन बन सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर, हम क्या कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का पहले रिसर्च करेंगे, फिर उसका मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम एक फर्दर ऑप्शन है हमारे पास मैन्युफैक्चरर का, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग बनानी है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रिवेंट कर सकें, मतलब बचा सकें. कब तक? थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक. कोई भी प्रोडक्ट है हमारा जिसे हम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक प्रिवेंट करके रख सकें, तो उसमें ऐसा कौन सा केमिकल हम यूज़ करें, ऐसा कौन सा प्रिवेंटर हम यूज़ करें कि हमारी वो ड्रग प्रिवेंट रहे, तो उसके लिए भी पहले हमें रिसर्च करनी पड़ेगी. तो इसके लिए माइक्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है फार्मेसी के अंदर. ठीक है, तो ये सब क्या है, स्कोप्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के. किसके अंदर? फार्मेसी के अंदर. चलिए ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एंटी ट्यूमरस एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. माइक्रोब्स हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपको समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की. जैसे कि हमने आपको अभी बताया, जो स्कोप है उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस है तभी तो हमने बोला कि जो डेंजरस बैक्टीरिया से हमें डिसीज होती है, इन्फेक्टियस डिसीज जितनी भी हमें होती है, अब आज के टाइम में इन्फेक्टियस डिसीज बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उन इन्फेक्टियस डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ेगी उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस फंगाई की, तभी तो हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग प्रिपेयर कर पाएंगे. तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की. ठीक है, अगर ये सब नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ड्रग प्रिपेयर नहीं हो पाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल है जो वो प्लांट्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती. ठीक है, सबसे पहले हम इसके क्या देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके हम जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. हो गया नोट डाउन? चलिए ठीक है, अब इसके ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे थाइलाकोइड्स. सॉरी, थाइलाकोइड्स क्या होता है? दिस पार्ट इज मोस्टली फाइंड आउट इनटू द प्लांट सेल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. प्लांट सेल के अंदर हमें पता है एक इंपॉर्टेंट वर्क है प्लांट सेल का, फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. ठीक है, तो थाइलाकोइड्स ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू प्लांट सेल क्या कर पाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाती है. ठीक है, थाइलाकोइड्स का फंक्शन समझ में आया आपको? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं. दिस पार्ट इज मोस्टली फाइंड आउट इनटू द प्लांट सेल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये जो ऑर्गेनल है ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और किस लिए यूज होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीसोसोम. नेक्स्ट किसे देख रहे हैं? मीसोसोम. मीसोसोम का मतलब क्या होता है? इस ये दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, मीसो एंड सम. मीसो का मतलब होता है बीच में, मतलब सेंटर में, एंड सम का मतलब होता है बॉडी. ठीक है, सोम का मतलब होता है बॉडी, मीसो का मतलब होता है बीच में, मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका वर्क क्या है, मीसोसोम का वर्क क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसका क्या वर्क है, ये रेस्पायरेशन के लिए काम आता है. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके रेस्पायरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मीसोसोम. ठीक है, मीसोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पायरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पिल्लाई.
पिल्लई का क्या वर्क होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? पहले हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। पिल्लई आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर हु वर्क्स टू कनेक्ट द बैक्टीरिया। पिल्लई का क्या काम है? जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स का क्या वर्क होता है? एक न्यूरॉन के बाहर क्या हमने देखा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, निकली हुई होती है। तो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम है कि वो दूसरे मतलब जो सेकंड न्यूरॉन्स हैं उनसे अटैच हो जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कैरी आउट करे। वही काम किसका है? पिल्लई का है यहाँ पे। तो वो ये क्या करती है, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? पिल्लई प्रेजेंट होती है, जिससे पिल्लई आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर हु वर्क्स टू कनेक्ट द बैक्टीरिया। ये एक ऐसा माध्यम है जो बैक्टीरिया को किसी भी मतलब कोई भी अगर कोई इंजरी हो रही है उससे बचाता है, सबसे पहला काम। और दूसरा काम है कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने का काम किसका है? पिल्लई का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम, ये हमारी छूट गई थी, ठीक है, छूट गई थी हमारी, तो ये अब आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्लैजिलम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का, फ्लैजिलम। तो देखते हैं फ्लैजिलम का क्या वर्क है। यह पानी के अंदर काम करता है। फ्लैजिलम मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलम का क्या काम है, ये जैसे बोल सकते हैं स्विमिंग का काम करते हैं। बैक्टीरिया को स्विमिंग कराने का काम कौन करता है? फ्लैजिलम काम करता है, ठीक है। ये पानी के अंदर काम करता है। जो बैक्टीरिया वायरस हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए क्या कौन यूज होता है? फ्लैजिलम, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है फ्लैजिलम, ठीक है। पानी कैसा आप लोग सोच रहे हैं? पानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा फ्लूड प्रेजेंट है। अगर कोई किसी भी फ्लूड में कोई बैक्टीरिया है तो वहां पे जो बैक्टीरिया है उसके लिए क्या यूज होगा? फ्लैजिलम यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फंक्शंस हम देख लेते हैं। क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड अटैच विद द डीएनए। क्रोमोसोम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और किससे अटैच होता है? डीएनए से अटैच होता है। क्या? क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? मतलब सेल के ऊपर की जो वॉल है उसे सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। कैप्सूल, कैप्सूल मतलब सेल वॉल के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, लेयर कैप्सोमियर, जो हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अब हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे। कैप्सोमियर और कैप्सोइड दो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर, तो यही है सेल वॉल के ऊपर अटैच रहती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल वॉल के ऊपर अटैच रहती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी सेल के अंदर पूरा क्या भरा हुआ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भर वो सॉरी प्लाज्मा भरा हुआ होता है, तो उसी को कवर करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। इसका वर्क तो नॉर्मल है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लियो आइट्स है, मतलब न्यूक्लियस तो हमारी सेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड्स का मतलब क्या होता है? आइड्स, IDS, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस जैसा, ठीक है। डीएनए होगा, आरएनए होगा, कुछ भी होगा, लेकिन एक न्यूक्लियोइड्स तो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियोइड्स होगा, मतलब न्यूक्लियस के जैसा, ओके। तो हमने पूरे ऑर्गेनिल्स अपने कवर कर लिए हैं, आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी सबकी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, सॉरी ये यहाँ पे प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक है, ओके। तो देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सबसे पहले डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में,
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट कैसे नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा मैच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा मैच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक से दो बनने की प्रॉपर्टी हमारी यूकैरियोटिक सेल में किस लिए, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मैच्योर रूप से प्रेजेंट है। ओके, और ये किस में मिलती है, एनिमल सेल। एनिमल सेल कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल। एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस, इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। इसका क्या काम है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन वर्क करता है, हर एक हमारे हर एक ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वही काम है सेल के अंदर न्यूक्लियस का। लाइक एज अ ब्रेन, न्यूक्लियस वर्क एज अ ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ओके, न्यूक्लियस का क्या काम है, हर एक ऑर्गेनल को कंट्रोल करना। ठीक है, न्यूक्लियस का मेन वर्क है सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस वर्क करता है कंप्यूटर के सीपीयू की तरह और हमारी बॉडी के ब्रेन की तरह। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं। नेक्स्ट एंड मेन ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत मेन ऑर्गेनल है, किसका, सेल का। ये इधर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस द एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है किसका, सेल का। सेल का पावर हाउस है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब एटीपी कैसे बोल सकते हैं, जैसे एनर्जी, हम कुछ खाना खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमने खाना खाया तो हमारी जो एनर्जी है वो दो चीजों में ब्रेक डाउन होती है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम फर्दर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाती है। मतलब जब हमने अगर खाना नहीं खाया तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती, अगर हमने आज खाना नहीं खाया, ठीक है, पूरे दिन हमने खाना नहीं खाया, फिर भी हम क्या एकदम तो नहीं मर जाते कि आज ही मर गए, तो वो कहाँ स्टोर होके रखती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ एनर्जी स्टोर हुए रहती है, तो वो रिलीज होती है उस टाइम जब हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग मतलब हमारी कंडीशन अच्छी नहीं होती, उस टाइम रिलीज करता है कौन एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या है, पावर हाउस है, ये एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने पास। ओके, तो नोट डाउन किया आप लोग ने, चलिए डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस द एटीपी। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या काम है, सेंट्रियोल वर्क एज अ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का काम कौन करता है, एनिमल सेल के, वो सॉरी, एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन का काम कौन करता है, एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन का काम कौन करता है, सेंट्रीओल। मतलब ये जैसे कि फर्दर डिवाइड होने की प्रॉपर्टी है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वही प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेंट्रीओल के, क्योंकि यही डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन का काम। ठीक है, सेंट्रीओल वर्क एज अ सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। जो हमारी सेल के अंदर फ्लूड भरा हुआ होता है वही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, जो ये फ्लूड भरा हुआ है रेड रेड, ये क्या है हमारे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं जो ये हमारे न्यूक्लियस के ऊपर अटैच है ये क्या है, जो न्यूक्लियस के ऊपर अटैच है इन्हें हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच हो गया, प्रोटीन जाके अटैच हो गया, जो डॉट डॉट है ये क्या है, प्रोटीन। तो वो क्या बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करवाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं,
न्यूक्लियस के ऊपर बाइंड हो जाते हैं चारों तरफ, ठीक है। ये किसकी सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का क्या काम है? गोल्गी बॉडी किसकी तरह काम करता है? जब हमारी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, प्रोटीन बन गया, राइबोसोम्स से प्रोटीन बनवा दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, अब क्या होगा, गोल्गी बॉडीज उस प्रोटीन को क्या प्रोवाइड करेगी? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगी, लिपिड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमारी सेल को हर एक चीज चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? गोल्गी बॉडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, उसे प्रोवाइड करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरी सेल के अंदर। पूरी सेल के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जब प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन भी लेगी, लिपिड कार्बोहाइड्रेट भी लेगी और पूरी सेल के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पूरी सेल के अंदर, ओके। एंड एक मेन वर्क और होता है गोल्गी बॉडीज का, वो क्या है? गोल्गी बॉडीज क्या बनाती है? लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडीज ही करती हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या वर्क है? लाइसोसोम का वर्क है ब्रेक डाउन करना। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन करना, मतलब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल खराब है या फिर कुछ भी है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको ब्रेक डाउन कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। मेन वर्क है लाइसोसोम का भी क्या है? मेन वर्क है राइबोसोम्स ये जो है, ये क्या है? प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। और प्रोटीन बनवाने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे वर्क है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्या ये हार्मोन भी रिमूव करता है, मतलब हार्मोन भी रिलीज करने में हेल्पफुल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड टू प्रोड्यूस द कैल्शियम आयन टू द मसल सेल, मतलब कैल्शियम आयन को किस तक पहुंचाता है? मसल सेल तक पहुंचाता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब हमारी सेल के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी होता है उसे रिमूव करने का काम भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ओके। चलिए यूकेरियोटिक सेल हमारी खत्म हुई, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया। ओके, हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। चलिए देख लेते हैं, नोट डाउन कीजिए डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मेजरिंग अबाउट 0.75 माइक्रोमीटर टू 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिनका डायमीटर कितना हो सकता है? 0.75 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑल्सो आर द इन्फेक्टियस एजेंट, ठीक है, इन्फेक्टियस एजेंट भी है बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस एंड सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू अस, ओके। चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। फर्स्ट है कोकाई, इसकी शेप क्या है? ओवल शेप। आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है कोकाई, सेकंड है बेसिली, बैट लाइक स्ट्रक्चर, थर्ड है कोकाई बेसिली, एंड फोर्थ है हमारी स्पाइरोचेट्स। ओके, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया।
चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है? चार टाइप की स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की। सबसे फर्स्ट है मोनोट्राइकस। ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मोनो ठीक है। फर्स्ट होती है मोनोट्राइकस, सेकंड होती है लिम्फोट्राइकस, ओके। फर्स्ट होती है मोनोट्राइकस, सेकंड होती है लिम्फोट्राइकस एंड थर्ड होती है एम्फीट्राइकस। ठीक है एंड फोर्थ होती है पेट्रीट्राइकस। ठीक है अब चारों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट हमने बताया था मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस में क्या था, एक टेल थी ठीक है, ऊपर सिर्फ एक टेल अटैच थी। सेकंड हमने बताया लिम्फोट्राइकस, लिम्फोट्राइकस के ऊपर वाले पार्ट में अपर पार्ट पे दो या दो से ज्यादा टेल्स अटैच होंगी, वो क्या है लिम्फोट्राइकस ठीक है। एक दो तीन सॉरी अबाव वन एंड बिलो फोर, मतलब थ्री भी हो सकती है टेल्स अटैच ऊपर वाले हिस्से में, दो भी हो सकती हैं ठीक है, वो क्या है लिम्फोट्राइकस। एंड थर्ड था हमारा एम्फीट्राइकस, जिसके अपर पार्ट में भी दो टेल्स थी और लोअर पार्ट में भी दो टेल्स अटैच थी, वो क्या है हमारा एम्फीट्राइकस। एंड लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है हमारा पेट्रीट्राइकस, जिसके चारों तरफ मतलब फोर ऑल टाइप्स टेल्स अटैच होंगी। ओके ये थे हमारे क्या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा वॉटर ठीक है, वॉटर हर चीज के लिए मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है वॉटर। सेकेंड कार्बन, थर्ड नाइट्रोजन एंड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिफ्थ ऑर्गेनिक ग्रोथ फूड मटेरियल एंड सिक्स्थ है हमारा टेम्परेचर ठीक है। ये सब चीजें यूज होती है किसके लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया की। ओके नोट डाउन कीजिए एक बार और, फर्स्ट वॉटर, सेकेंड कार्बन, थर्ड नाइट्रोजन एंड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिफ्थ ऑर्गेनिक ग्रोथ फूड मटेरियल एंड सिक्स्थ है टेम्परेचर ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, एक नॉर्मल बैक्टीरिया को भी ग्रो कराने के लिए सब चीजें की क्या है रिक्वायरमेंट है। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ठीक है, जिसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल भी बोल सकते हैं। फर्स्टली क्या होगा लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी, देन डेक्लाइन। लैग फेज क्या होगा, मतलब बैक्टीरिया एंटर कर चुका है किसी भी होस्ट सेल के अंदर ठीक है, तो वो क्या होगा लैग फेज। फिर उसने क्या करा, अब उसमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू करा, तो वो क्या हुआ लैग फेज, सॉरी लॉग फेज। देन स्टेशनरी मतलब हमने कोई ड्रग ली उसके ट्रीटमेंट के लिए, हमने कोई टेबलेट ली, तो वो क्या हुआ थोड़े टाइम के लिए वो रुक गया, मतलब स्टेशनरी फेज ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो रुक गया। अगर हमने वो ड्रग कंटिन्यूअसली स्टार्ट रखी अभी, तो क्या होगा डिक्लाइन फेज, मतलब बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। ओके ये है क्या ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। अब फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप, हम दो माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकंड क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके फ्रेंड्स, ये दो माइक्रोस्कोपी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम आप प्लीज बुक से या फिर किसी भी सोशल मीडिया से आप देख के प्रिपेयर कर लेना यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है. अभी हमें अपनी दूसरी यूनिट भी पूरी इसी में कवर करनी है, तो इसके डायग्राम आप या तो कहीं से भी देख के प्रिपेयर कर लेना, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर देंगे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपनी इन्हीं दो माइक्रोस्कोपी के डायग्राम को लेके अच्छे से आपको समझा देंगे अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. ठीक है, चलिए अभी तो हम ऐसे ही नॉर्मली इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम नेक्ड आई से हम अपना देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या देखेंगे, अपना स्मेयर प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा, उसके बाद हमने कल्चर मीडिया का स्मेयर प्रिपेयर करा. स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे बैक्टीरिया को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए. ठीक है, हमने जैसे ही स्मेयर को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसके अंदर जो लाइट पास होगी, ठीक है, उसके अंदर जो लाइट पास होगी फ्रेंड्स, जो हमने अपना स्मेयर को जो हमने स्टेन करा हुआ होगा, ठीक है, तो जो जिस भी डाई से हमने उसे स्टेन किया हुआ है, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का मतलब है वो फील्ड को डार्क कर देगा, लेकिन जो हमारा माइक्रोब्स हैं उन्हें वो क्या कर देगा, ब्राइट कर देगा. ठीक है, तो हमें माइक्रोब्स कैसे बिल्कुल क्लियरली शो होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कैसा हो गया है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है, बिल्कुल डार्क हो गया है, लेकिन जो हमारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेजेंट है, जिस भी डाई से उसे डाई किया गया है, जिस भी डाई से उसे स्टेन किया गया है, वो हमें क्लियरली क्या होंगे, ब्राइटली एकदम ऑब्जर्व होंगे. ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है किसका, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का. ओके, तो अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज दैट इन दैट माइक्रोस्कोप फील्ड इज डार्क, ब्रैकेट में लिखिए ब्लैक कलर, एंड माइक्रोब्स आर क्लियरली शोन इन ब्राइट कलर. ओके, तो यही प्रिंसिपल है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फ्रेंड क्या होता है, चलिए आप नोट डाउन कीजिए डेफिनेशन. इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन वेव्स आर यूज्ड फॉर सीइंग द टू स्मॉल पार्टिकल्स. समझ आई ये लाइन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव्स हम यूज करते हैं किस लिए, कि हमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब जो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, वो पार्टिकल्स को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव्स का यूज करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि नॉर्मल हमारे जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, अबाउ 1500. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो कितनी होती है, 10,000. अबाउट 10,000 मैग्निफिकेशन पावर होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो आप सोच सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कितना अच्छा एंड कितना एक्सपेंसिव है क्या हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज होती है, इलेक्ट्रॉन वेव्स यूज होती हैं फ्रेंड्स. और इलेक्ट्रॉन वेव्स का क्या काम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन वेव्स ही क्यों यूज की गई, क्योंकि इसके अंदर हम जो बैक्टीरिया हमारे इसके प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया, इनकी बाहर की स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देती, मतलब बाहर की स्ट्रक्चर सिर्फ देखने के लिए तो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स भी यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो अंदर की स्ट्रक्चर है, मतलब बैक्टीरिया की सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का
यही काम है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं. ओके, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई. बस आपको इसका डायग्राम नोट डाउन करना है और जो प्रिंसिपल हमने बताया है वही जाके डिटो लिख देना है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना. ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट यूनिट यहाँ हमारी कंप्लीट होती है. ओके, तो अभी हमें सेकेंड यूनिट स्टार्ट करना था, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ा जाएगा, ऑलरेडी 40 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए सेकेंड यूनिट हम अभी बी पार्ट में आपको देंगे. ठीक है, हमने बोला था तीन पार्ट में हम अपनी वीडियो बनाएंगे, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए और बी पार्ट दो पार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, एक में फर्स्ट यूनिट एक में सेकेंड यूनिट. ठीक है, तो बी पार्ट हम अपना जल्दी ही आपको देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो जब तक के लिए फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आई होगी. फ्रेंड्स अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर हमारी काम से कोई गलती हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ जल्दी ही, अपने फर्स्ट पार्ट के बी पार्ट के साथ. ओके, जब तक के लिए धन्यवाद. और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो उसकी साइड में बेल आइकन का सिंबल होगा उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए. ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे अपना बी पार्ट के साथ. ओके.